हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन नंबर 3। हमने ऑलरेडी हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए, यहाँ आई बटन पे आपको क्लिक करते ही मिल जाएगा। ठीक है, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। रुचा एंड जूली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। क्या कर रहे हैं ये, अपने कैपिटल रेशियो के बराबर ही अपना क्या कर रहे हैं, पार्टनर फर्म का जो भी है प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। हमने मतलब ट्रायल बैलेंस देखा है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट बोला तो हमको क्या करना है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स अकाउंट भी बनाते हैं, तो हम पार्टनर्स अकाउंट भी बनाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, यहाँ है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा कौन सा अकाउंट कहाँ जाने वाला है। ये रहा हमारा परचेज, एक मिनट, ये रहा हमारा परचेज। परचेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। अब तक आपको आ गया होगा ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज है, सैलरीज क्या होता है, ऑफिस से रिलेटेड होता है, ये कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस एंड सैलरी, अगर सैलरी आगे तो दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, लेकिन यहाँ पे वेजेस आगे है तो यानी वेजेस किससे रिलेटेड है, हमारे फैक्ट्री से, फैक्ट्री यानी ट्रेडिंग अकाउंट से। एडवर्टीजमेंट हिडन एडजस्टमेंट है तो हम क्या कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेते हैं इसको, और ये जाएगा कहाँ, हमारा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम सेल्स होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम एक एडजस्टमेंट वाला मार्क कर लेते हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं, ताकि हमको पता रहे कि इसको कहीं एडजस्ट करना है। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट है अगेन, तो इसको कहाँ करना है, फिक्स असेट में। ऑफिस रेंट हमारा होता है ऑफिस रिलेटेड, दिया हुआ है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। मोटर वैन हमारा क्या, फिक्स असेट, तो फिक्स असेट में जाएगा, सॉरी असेट कर देते हैं यहाँ पे, इसको भी असेट कर देते हैं। ठीक है, अगेन है हमारा स्टॉक, स्टॉक का डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल, यानी क्या, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंस है हमारा, जनरल एक्सपेंस हमारा कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, सैंडर्ड डेटर असेट, कोल गैस फ्यूल, ये सब कहाँ यूज होते हैं, फैक्ट्री में, फैक्ट्री रिलेटेड कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड, सबसे ध्यान देने की बात है, ये बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आउटवर्ड ओ ऑफिस रिलेटेड, इनवर्ड, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, फैक्ट्री रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और ये पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ओ ऑफिस रिलेटेड याद रखना, पीएनएल अकाउंट डेबिट आउटवर्ड। प्लांट एंड मशीनरी अगेन असेट, ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा कहा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। फिर सन्ड्री क्रेडिटर है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमारा कहा जाएगा, लाइबिलिटी में। सेल्स है, सेल्स पे भाई एक एडजस्टमेंट है तो इसको मार्क कर लेते हैं, सेल्स जाता कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। आरडीडी है, इसमें भी ऑलरेडी आ जाता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। बिल्स पेबल है लायबिलिटी साइड में। परचेज रिटर्न है, ठीक है, ये क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेज होगा, तो परचेज पे भी एक स्टार मार्क कर देते हैं कि भाई इस पे भी एडजस्टमेंट है, हम लोग को जगह से छोड़नी है। ठीक है, अब तो ये हो गया मेरा, ट्रायल बैलेंस को हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट यहाँ मैंने आगे में ऐसे बड़े में लिखा हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसे देखना होगा जैसे भी देख सकते हो, वहां सामने हमको मार्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 और 90,000। सबसे देखो कभी भी ऐसा देगा ना, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता हम लोग को, हमको देखना है विच एवर इज। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आने वाला है, विच एवर इज लेस, तो हमारा लेस कौन सा है, 88,000। तो 88,000 हमारा कहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, तो इसको हम फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 88,000, ये कहाँ जाता है, इसके भी दो इफेक्ट होते हैं, यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए। ठीक है,
यहाँ एक बार फाइनल कर लेती हूँ मार्क, क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा जाएगा, मैं आपको बताते जाऊंगी। रूचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3000 एंड 2000। हमको क्या ड्रॉइंग है तो इसका भी मतलब यहाँ पे किसी में एडजस्टमेंट नहीं जाएगा, इसका डायरेक्टली दो इफेक्ट जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन मोटर वैन, डेप्रिसिएशन मोटर वैन, मोटर वैन पे एक डेप्रिसिएशन आया। फिर क्या है, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी पे भी एक डेप्रिसिएशन, मतलब एक जगह छोड़ना है हमको। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट सन्ड्री, डेप्स ऑन डेटर, संडी डेटर पे आएगा स्टार मार्क। हमको जगह छोड़ना है आरडीडी के लिए। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस है हमारा, तो वेजेस और सैलरी के साथ में था एक यहाँ पे, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ इस साइड में। तो आप क्या करना, अपने जो भी एडजस्टमेंट है ना वो इस साइड स्टार मार्क करना, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट आते जाएंगे आप, जैसे अभी देखो मैं बताती हूँ, अब यहाँ पे कुछ लिखा है तो आप यहाँ पे ऐसे करके, अगर एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, ऐसे आगे करके स्टार मार्क करते जाना, ऐसे सीधे सीधे, ठीक है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हमने सैंडी डेटर पे कर लिया। फिर हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे भी हमने कर लिया स्टार मार्क। परचेज ऑन क्रेडिट एंड परचेज ऑन सेल्स की दोनों की एंट्री नहीं हुई है, उसको एंट्री करना है, तो परचेज पे भी एक और एडजस्टमेंट, एक है परचेज रिटर्न का, एक आएगा अनरिकॉर्डेड परचेज। फिर सेल्स पे भी सेम, अनरिकॉर्डेड सेल्स और सेल्स रिटर्न, दो दो एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं, मैं इफेक्ट लिखूंगी यहाँ पे, अब इफेक्ट देख लो। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, 88,000 आने वाला है, तो पहला आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड दूसरा वाला इफेक्ट आने वाला है हमारे असेट साइड में, ठीक है। रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3000 एंड 2000, इसके दो इफेक्ट होंगे, पहला तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन मोटर वैन, इसका पहला इफेक्ट जाने वाला है वहां से, लेस होगा, लेस फ्रॉम असेट, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, अगेन प्लस ये हमारा क्या है, आरडीडी है, तो हम आरडीडी को क्या करते हैं, प्लस फ्रॉम हमारा संडी डेटर, एक मिनट, संडी डेटर एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस, लेस फ्रॉम वेजेस और लाइबिलिटी साइड। अब ये अनरिकॉर्डेड परचेज है, अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो दोनों क्या होता है, एड होता है। अनरिकॉर्डेड परचेज है, अनरिकॉर्डेड सेल्स है, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो इसको क्या करेंगे, एड करेंगे। हम क्या करेंगे इसको, एड टू परचेज, फिर एड टू सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा परचेज के लिए, फिर एड टू सन्ड्री डेटर और एड टू सेल्स, दोनों जगह क्या होगा, एडेड होगा। ये दो दो इफेक्ट है, ठीक है, 6000 6000, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ये रहा हमारा इन द बुक्स ऑफ रुचा एंड जूली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ठीक है। मैंने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का भी लिख लिया है क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं था। यहाँ हम लिखेंगे हमारा डेबिट, यहाँ लिखेंगे हमारा क्रेडिट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी भूलना मत, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा है परचेज अकाउंट, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, अपने परचेज को पोस्ट। फिर उसके बाद है हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस एंड फिर वेजेस एंड सैलरीज, तो ये क्या करते हैं, पोस्ट कर लेते हैं। कोल गैस फ्यूल, ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि पूरा जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का है ट्रेडिंग अकाउंट में पुट कर लो, या तो फिर आप वन बाय वन जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया कैरिज इनवर्ड, अब बाय सेल्स का भी हम कर लेंगे, ये रहा हमारा, ठीक है, अब बाद में देखते हैं, ये हो गया हमारा। फिर सेल्स रिटर्न हम करेंगे पुट, फिर परचेज रिटर्न करेंगे पुट, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हमारे फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगेन हम यहाँ लिख लेंगे हमारा डेबिट और क्रेडिट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी एग्जाम में भूलना मत, ठीक है।
ये टू बैड डेब्ट्स हम हमेशा इसको क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, हमारे पास ओल्ड आरडीडी है तो हम क्या कर लेंगे उसको पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ टू सैलरीज अमाउंट हमने लिख दिया, आउटर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, बाकी सब भी वैसे ही पोस्ट कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट में एडजस्टमेंट है क्योंकि उसने क्या बोला है, 2 साल का इसके अंदर है और हमको चाहिए कितना, 1 ही साल का। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे और बाकी सब आउटर कॉलम में रहेगा। ठीक है, फिर ये रहा हमारा पोस्टिंग। अब हमारा है कैपिटल अकाउंट, ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट, हम कैपिटल को भी पुट कर देंगे। फिर हमारा आता है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है, इसको भी पुट कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे द बुक्स ऑफ जूली एंड, ठीक है, रुचा का नाम पहले आएगा, आपने जैसे दिया होता है वैसे लिख। हमको लिखना क्या है यहाँ पे, बैलेंस शीट एज ऑन मार्च दिया हुआ नहीं लिख दिया, एक मिस्टेक और है यहाँ पे, पर्टिकुलर की जगह लाइबिलिटीज आएगा, ठीक हमने दिया होगा यहाँ पे हमारे, आप ध्यान। तो ये रहा हमारा पोस्टिंग जो भी था। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट में, सबसे पहला हमारा एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, तो यहीं से पुट करते हुए चलते हैं। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट उसका इफेक्ट कहाँ जाने वाला है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉइंग का, तो हम ड्रॉइंग भी यहीं से शुरू कर देते हैं। ये रहा हमारा ड्रॉइंग, ठीक है, गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर्स रुचा एंड जूली, टोटल करके अमाउंट बाहर कर देंगे। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो यहाँ हम उसको भी पोस्ट कर देंगे। वहाँ हमारा क्रेडिट साइड में है, यहाँ हमारा डेबिट साइड में आएगा, यहाँ भी आपको डेबिट और क्रेडिट लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हमने क्लोजिंग स्टॉक वाला कर लिया, रुचा एंड जूली वाला कर लिया, फिर डेप्रिसिएशन का है, तो चलते हैं मोटर वैन पे 5% का है, प्लांट एंड मशीनरी पे 7% का, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं सबसे पहले हम हमारे बैलेंस शीट पे, यहाँ हमारा लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ हम करेंगे 40,000 का 5% कितना होता है, 10% कितना होता है 4,000, और हाफ किया 2,000, ठीक है। वैसे प्लांट एंड मशीनरी का लेस डेप्रिसिएशन एट 7%, ठीक है, मतलब कैसे होगा यहाँ बता देती हूँ, 13,800 × 7/100, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, ये 7 8 56 5 7 3 अगेन 7 3 21 प्लस कितना हो गया 5, कितना हो गया 26, और ये 2 अभी भी कैरी है, 7 1 7 और प्लस 2 हमारा 9, ठीक है, और इसका तो आसान है। फिर हम क्या करेंगे, आउटर कॉलम में करके देख, अब इसको हमको क्या करना है, पी एन एल अकाउंट में दिखाना है, तो हम चलेंगे पी एन एल अकाउंट में और पी एन एल अकाउंट में लिख देंगे हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है, टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। टोटल करके आउटर कॉलम में आप लिखते जा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, हमको क्या करना है, डेटर पे निकालना है, तो 5% आरडीडी निकालने के लिए, न्यू आरडीडी आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको डेटर के ऊपर, तो आप क्या करोगे, पहले अगर मतलब अनरिकॉर्डेड सेल्स है ना उसको ऐड कर लोगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे, आरडीडी निकालोगे। तो यहाँ है अनरिकॉर्डेड सेल्स हमने ऐड कर लिया, तो दिया हुआ है ना, हमने पढ़ा अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह दिया रहता था, उसको ऐड करना है, फिर उसके बाद ही हमको क्या करना है, आरडीडी निकालना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 62,000 प्लस 6,000 हमारा अमाउंट कितना आया, 5% आरडीडी निकाला।
एक मिनट, 62,000 और 6,000 हमारा कितना हो गया, 68,000। ठीक है, उसमें से 3,400 हमने माइनस किया तो कितना बचा, 6,400। ठीक है, मैं लिखा रही था, मैंने लिख दिया। अब के बाद में इसको क्या करना है, आरडीडी को शो करना है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे 3,400, और दोनों को क्या करना है, एड लेस करना है। बाकी और कुछ तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, आउटर कॉलम में करके बाहर कर देंगे। 3,400 माइनस 1,200 जो अमाउंट आएगा वो बाहर। ठीक है, अब उसके साथ साथ में हम एडवर्टीजमेंट का भी कर लेते, नहीं तो हम भूल जाएंगे। जो हमको क्या करना है, हिडन है ये 4,000 था, ऑब्वियस ये कितने साल के लिए है, 2 ईयर्स के लिए है। ठीक है, अब 1 ईयर के लिए मतलब 2 साल के लिए 4,000 है, तो 1 साल के लिए 2,000 हो गया, सिंपल। ठीक है, तो 2,000 करके माइनस करके बाहर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में गए हम, वेजेस कहाँ है हमारा, अनरिकॉर्डेड सेल्स हुआ। हाँ, ये बाकी है हमारा अनरिकॉर्डेड सेल्स को यहाँ पे ऐड कर लेंगे बिना भूले, वहां हमने किया था। ठीक है, फिर 1,46,000 अनरिकॉर्डेड परचेस भी कर लेते हैं, 48,000। ठीक है, इसका हमको करना है सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड करना पड़ेगा, 48,000। टू ओपनिंग स्टॉक है हमारा यहाँ पे 89,500। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी कर लेते हैं, 3,600 आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, कितना 800 है तो ऐड करना है, हमारे 3,600 टोटल होके बाहर आ जाएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ देना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस। और सन्ड्री क्रेडिटर का हमको अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड करना है, वो भी हम यहाँ कर देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो 28,000, 22,000 प्लस 6,000 ऐड करके बाहर। ठीक है, अब हमारा सारा इफेक्ट हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, टोटल करना चालू करते हैं। अच्छा, एडवर्टीजमेंट का यहाँ हमने इफेक्ट नहीं दिया है, तो हम एडवर्टीजमेंट का भी इफेक्ट दे देते हैं, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 2,000। ठीक है, अब फाइनल हो गया है, तो चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और टोटल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना है, रेड साइड का ज़्यादा है, 2,39,000। तो यही हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे और फिर जो बैलेंस बचेगा उसको टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन करके देंगे। अब इस प्रॉफिट को हमको क्या करना है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, जो साइड हैवियर उसको क्या करेंगे, दोनों साइड लिख देंगे 93,100। ठीक है, अब जो बैलेंस बच रहा है उसको हम अमाउंट कॉलम मतलब आउटर कॉलम में लिख लेंगे अमाउंट के, और फिर उसको क्या करना है, हमको कैपिटल रेशियो के हिसाब से उसको तो बांटना है। तो ये रहा हमारा कैपिटल रेशियो के हिसाब से हमने बांट दिया। अच्छा, अब आपको ये डाउट होगा कि कैपिटल रेशियो कितना है, तो कैपिटल रेशियो देखो कितना है, 80,000 और 40,000। ठीक है, क्या करना है, 400 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों टू के टेबल में आते हैं, 2 4 और 2। ठीक है, फिर 2 1 2, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 1 4, 4 2 8, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, फिर अगेन 1। तो यानी क्या, रेशियो हमारा कितना बनता है, 2:1 का, मतलब रुचा को दुगना मिलेगा और जूली को। ठीक है, इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में, जिसका 2 हिस्सा किसने लिया, रुचा ने, और जूली ने 1 हिस्सा लिया। ये हो गया हमारा इसका टोटल। अब इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से पहले कैपिटल अकाउंट आएगा हमारा। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर जो भी बैलेंस बच रहा है टोटल करने के बाद, ये कहाँ जाने वाला है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये हमारा बैलेंस निकल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे हमारे बैलेंस शीट में, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल हमने सब कर लिया है तो हम टोटल कर रहे हैं। हमारा टोटल कितना हो रहा है, 2,28,434, और इस साइड का भी 2,28,434। तो ये रहा हमारा सम का सॉल्यूशन। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक दिस।